अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहते हैं आपको आसिफ इन्वर्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप में। आज हमारे पास एक वेल्डिंग मशीन आई है जी, कोरियन वेल्डिंग मशीन ASEA-200। ये इन्वर्टर DC आर्क है जी, आर्क वेल्डिंग मशीन है। इसके अंदर फॉल्ट कुछ यूँ हैं जी कि ये आउटपुट नहीं दे रही। इसको जब हम आउट इनिशियल जो इसका फॉल्ट है वो ये है कि ये इसकी आउटपुट नहीं आ रही। ये देखें, इसको हमने ऑन किया है और इसके जो टर्मिनल के ऊपर जो पावर है वो नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। और ये टर्मिनल की कंडीशन भी आप देख सकते हैं कि ये बॉडी के साथ जो है ना वो शायद शार्ट हुआ है, जिसकी वजह से पीछे कोई शार्ट सर्किटिंग हुई है और इस तरह के मसाइल आए हैं। तो इसको हम डिटेल से चेक करते हैं और आपके साथ शेयर करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या मसाइल थे और वो हमने कैसे रिजॉल्व करने हैं और उनका जो क्या है वो एक्शन है। तो अभी इसको पावर ऑफ करके हम इसका अंदर इसका कोल्ड चेक करेंगे और कोल्ड चेक के दौरान आपको बताएंगे कि इसके अंदर जो है ना वो क्या चीज़ें ख़राब हैं और कौन कौन सी चीज़ें काम नहीं कर रही। तो ये देखें जी, मेन इसके अंदर दो मसाइल हैं। एक प्रॉब्लम इसका ये है कि ये जो कंट्रोल कार्ड लगा हुआ है ये यहाँ से जो है ना हमारी आउटपुट नहीं निकाल रहा। एक जैक हमारा इधर लगता है और दूसरा जैक इधर लगता है, तो इधर से जो आउटपुट निकलती है वो नीचे कार्ड को जाती है और इस कार्ड के अंदर हमारे IGBT लगे हुए हैं और IGBT भी इसके शॉर्ट हैं। तो पहले हम इसका कार्ड ओके करेंगे, कार्ड अवेलेबल हो जाएगा जब, तो उसके बाद फिर इसके हम IGBT जो है ना वो रिप्लेस करेंगे। तो कार्ड के अंदर ये IC लगे हुए हैं, ये प्रोग्रामिंग IC है, देख लें ये वाली। और बाकी जो IC हैं मुख्तलिफ तरह के IC लगे हुए हैं, कोई कंपैरेटर है, कोई जो है ना वो ऑसिलेटर है और आगे इसके जो चॉपर हैं, चॉपर के पीछे जो इसकी FET लगी हुई है। तो फाइनली जो है ना चॉपर के बाद इसके रजिस्टर लगे हुए हैं। तो इनमें हम देखते हैं जी कि जो जो चीज़ें काम नहीं कर रही वो आपको हम बताएंगे कि क्या इसमें क्या ख़राबी थी और वो हमने कैसे ख़त्म किया है। और उसके बाद फिर IGBT हम रिप्लेस करेंगे इसके। तो IGBT जो है ना वो चेंज करने के बाद फाइनल इसका जो आगे वाला जो ये चीज़ ख़राब है ये हम सेट करके इसको टेस्टिंग के काबिल बनाएंगे। A few moments later. दोस्तों देखें, ये वेल्डिंग प्लांट है, इसके अंदर जो मसाइल आ रहे थे वो आपके साथ हम डिस्कस करते चलते हैं कि ये इसका कार्ड है, कार्ड के अंदर जो चॉपर का आपको नज़र आ रहे हैं, चॉपर की जो आउटपुट है उसके ऊपर जो रजिस्टर लगे हुए हैं ये 10 ओम के रजिस्टर हैं और 220 ओम के रजिस्टर हैं। ये इसके अंदर ख़राब थे और ये हमने चेंज कर दिए हैं। और इसके अलावा ये आप देखें नीचे ये कार्ड आपको नज़र आ रहा है, इस कार्ड के अंदर IGBT ख़राब थे और IGBT इसके अंदर हमने नए इंस्टॉल किए हैं। तो जो ही हमने इसके अंदर नए IGBT इंस्टॉल किए हैं और साथ ही टेस्टिंग के दौरान जो है ना ये दोबारा से फिर शॉर्ट हो गए हैं। और इसकी जो रीज़न है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि वो क्यों शॉर्ट हुए हैं। ये आगे आपको एक ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है, ये ट्रांसफार्मर जो है ना वो शॉर्ट हो रहा था बॉडी के साथ, तो इसकी जो आउटपुट है वो अल्टीमेटली जो है ना वो बॉडी के साथ शॉर्ट होने की वजह से दोबारा से हमारे IGBT जो है ना वो शॉर्ट हो गए थे। तो इस करके जो है ना अभी हम हमने जो है ना सेकंड टाइम इसके अंदर IGBT इंस्टॉल कर दिए हैं। और ये देख लें आप, इसके अंदर जो है ना IGBT सही तरह से इंस्टॉल कर दिए हैं। और अभी इसकी पावर ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखें जी, इसकी पावर ऑन हमने कर दी है और इसका कार्ड भी ओके हो चुका है और नीचे जो IGBT हैं वो भी हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। और अभी इसकी हम टेस्टिंग करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे इसका रिज़ल्ट। देखें जी, ये फुल करंट के ऊपर वेल्डिंग है। अभी हम थोड़ा सा करंट इसका स्लो करेंगे और स्लो करंट के ऊपर भी आप इसकी वेल्डिंग देख लें। ये वेल्डिंग कर रहा है जी, बहुत बेहतरीन वेल्डिंग कर रहा है। इसके तमाम मसाइल जो है ना वो हमने रिकवर कर दिए हैं। और इस तरह का एक्सपीरियंस जो है ना वो बाज़ुकात ये भी हो जाता है कि देखें आप एक दफ़ा नुकसान करके भी दोबारा जो है ना इसमें करते हैं काम और दो रिपीटेडली जो गलतियां होती हैं उसके उससे आप गुरेज किया करें। एक दफ़ा फिर देख लें,
ये फुल करंट के ऊपर काम कर रहा है जी, और ग्रेजुअली इसको थोड़ा हम स्लो करते हैं, और स्लो करंट के ऊपर भी आप इसकी परफॉर्मेंस चेक कर लें। ये देखें जी, इसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन हो गई है, और ये बेहतरीन किस्म का काम कर रहा है। 200 एम्पीयर का वेल्डिंग प्लांट है, रेडी हो गया। और देखें, इस तरह का रिजल्ट जो है ना वो अगर आपको चाहिए, अगर आप जो है ना वो इससे सेटिस्फाइड हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहा है। बेहतरीन किस्म की सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।